हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आज हमारा एप्सन L1300 जा रहा है। ये देखिए आप, यहाँ पे रखा है ये। इसको बॉक्स पैक करना है अभी। ये अपन ने सेल आउट कर दिया है, ये अपन ने ले लिया है, तो ये वाला अपन ने सेल आउट कर दिया है। अभी मेरे को ज़्यादा टाइम हुआ नहीं था इसको लिए हुए, तो मैंने वीडियो में बताया था कि मेरे पास कभी पैसे हुए तो मैं ये वाला प्रिंटर ज़रूर लूँगा। इसमें जो प्रिंट निकालते हैं अपन एप्सन L1300 के अंदर, जो कि यहाँ पे रखा है अभी, इसमें प्रॉब्लम ये होती थी कि यार ये पेपर पे कलर छोड़ता था मेरा। प्रिंट क्वालिटी मुझे पर्सनली थोड़ी इसलिए ठीक नहीं लगी, मतलब जो अपन प्रिंट देते हैं उस पर शाइनिंग वगैरह वैसी नहीं बैठ पाती थी जो अभी ये प्रिंट निकाल के दे रहा है अपन को। ऐसी प्रिंट क्वालिटी नहीं दे पा रहा था ये, तो मैंने सोचा यार जब अपन को लेना ही है तो ले ही लेते हैं ये वाला। और मैंने थोड़ा हिम्मत करके करनाल से जाके लेके आ गया ये वाला प्रिंटर में, और ये काफ़ी अच्छा प्रिंटर है। इसमें आप 3 से 4 शीट प्रिंट कर सकते हो, और इसमें PVC कार्ड का भी ऑप्शन है। इसमें ब्लूटूथ भी है, कोई पिक्चर आपके फ़ोन में है तो आप उसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं बिना कंप्यूटर की मदद से। तो अपन ने जो ये प्रिंटर लिया था एप्सन L1300, इसको अपन को यूज़ करे हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। मतलब अपन ने इससे मुश्किल से कोई 20 से 25 प्रिंट आउट निकाले होंगे, और अभी अपन ने ये निकाल रहे हैं वापस। तो जो ये इसको लेने आएंगे वो कल मॉर्निंग में आएंगे। अभी रात हो रही है, रात के 9 बज रहे हैं अभी। तो वो अभी चेक करके चले गए अपना प्रिंटर, उनको पसंद आ गया प्रिंटर, और उन्होंने प्रिंट आउट वगैरह निकाल के भी देखे थे इसके। तो ये देखिए यहाँ पे इसके इंक लेवल वगैरह सब कुछ बेस्ट है। इससे जो टोटल प्रिंट आउट निकले हैं वो 6702 प्रिंट आउट निकल चुके हैं। और जो अपना ये एप्सन L1800 है, इससे टोटल प्रिंट आउट 126 निकले हैं। अपना जो L1300 है उसमें प्रिंटिंग क्वालिटी मुझे थोड़ी सी मेरे को पर्सनली अच्छी नहीं लगी थी, इसी वजह से मैं ये लेके आया था। और अपना जो L1300 है उसके अंदर प्रिंटिंग कॉस्ट अपन को बहुत कम पड़ती है, इसकी इंक भी काफ़ी सस्ती आती है, और दूसरी बात इसके अंदर जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है वो बहुत सस्ती पड़ती है। अभी इसका सबसे सस्ता प्रिंटर है, और इसके अंदर जो कॉस्ट है वो बहुत हाई पड़ती है, बट क्वालिटी इसकी जो आती है वो बहुत शानदार क्वालिटी आती है। इसकी 270 GSM तक पेपर सपोर्ट करता है ये, और इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी इतनी बेस्ट आती है इसके मुकाबले। बट ये अगर आप स्टूडियो में रख रहे हैं तो बेस्ट प्रिंटर है उसके लिए, बहुत सस्ता है ये। आप पासपोर्ट फ़ोटो वगैरह आप निकाल सकते हैं इससे, A4 निकाल सकते हैं, और A3+ तक निकाल सकते हैं इससे, यानी कि 12-18 तक भी आप प्रिंट कर सकते हैं इससे। तो अगर आप L1300 लेने की सोच रहे हैं तो स्टूडियो के लिए बहुत शानदार प्रिंटर है, और A3+ तक आप इससे निकाल सकते हैं। वहीं अगर आप लेने की सोच रहे हैं ये वाला, तो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, बट इसके अंदर प्रिंटिंग क्वालिटी आपको इतनी बेस्ट मिलेगी कि आपको लैब जाने की ज़रूरत ही नहीं है। लैब क्वालिटी इसमें भी मिल जाएगी आपको, बट इसके अंदर क्या है, मेरे को देखो जो शिकायत थी ना इससे मेन, वो ये थी कि इसके अंदर पेपर के ऊपर कलर छूटता है हल्का हल्का, जबकि इसमें ओरिजिनल इंक हमने इंस्टॉल करी थी, उसके बावजूद भी ये कलर छोड़ रहा था। और दूसरी चीज़, इससे PVC कार्ड प्रिंट नहीं कर सकते। और तीसरी चीज़, इसमें ब्लूटूथ नहीं है, जो कि कई बार ऐसे प्रिंट आउट आते हैं हमारे पास में कॉलेज वगैरह के, तो डायरेक्ट हम व्हाट्सएप पे लेके और वाईफाई से डायरेक्ट प्रिंट कर देते हैं, कंप्यूटर पे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहीं पे अगर इसकी बात करूँ तो इसमें वाईफाई है, PVC कार्ड इस पर प्रिंट हो जाते हैं, 13-19 तक ये सपोर्ट करता है, और पेपर क्वालिटी एक नंबर देता है ये। मतलब आपको लैब जाने की ज़रूरत नहीं है, उतनी बेस्ट क्वालिटी आप यहीं घर बैठे ही निकाल सकते हैं। वहीं अगर इसकी बात करें तो इसमें मैंने जैसे बताया इसके अंदर पेपर के ऊपर कलर छूटता है, जैसे कि अभी मेरे पास ये पिक्चर है, ठीक है, ये ब्लैक कलर है, ये काफ़ी टाइम हो गया इसको, ये देखिए। तो ये मेरा इसी प्रिंटर से निकला हुआ प्रिंट है, और ये देखिए आप, उंगली खाली हो चुकी है। तो ये शिकायत इसमें नहीं मिलती है। इसके अंदर आप चाहे से नॉर्मल पेपर को भी अगर पानी में भी डुबो दोगे ना तो पेपर भीग जाएगा, लेकिन इंक उसकी नहीं छूटेगी। अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर अगर प्रिंट करता हूँ तो इसके ऊपर इंक जाती है। बाकी अभी मेरा काम इतना फैला हुआ नहीं है, अगर मेरा काम ज़्यादा होता तो मैं इसको रख लेता, मैं बेचता नहीं इसको, क्योंकि अभी मेरा काम इस प्रिंटर से ही हो जाता है, और इतना काम है भी नहीं, इतना काम आता भी नहीं है। मुश्किल से मेरे पास कोई पर डे का एक प्रिंट आउट आता होगा जो कि मैं निकाल देता हूँ इससे, वो भी 12-18 का नहीं, A3 का ही आता है मेरे पास में, तो वो भी मैं इससे निकाल देता हूँ। और इसका यूज़ तब देता मैं तब जब मेरे पास काम ज़्यादा होता, अभी मेरे को काम है नहीं उतना जो मैं इसको रखूँ, अभी बस इससे ही काम चल जाता है। इन फ्यूचर कभी मेरे को ज़रूरत पड़ी तो अपन ले सकते हैं L1300, नहीं L1800 इससे बेस्ट है, वो इसके जैसे ही क्वालिटी देता है। अगर अपन बात करें L1300, इससे आप डॉक्यूमेंट वगैरह निकाल सकते हैं, पेपर के ऊपर आप प्रिंट निकालेंगे तो थोड़ा मुझे लगता है कि वो कलर कंट्रास्ट और उसका जो क्वालिटी है वो बेस्ट नहीं बैठ पाता है। प्रिंटर में और इस प्रिंटर में थोड़ा साइज़ का ही फ़र्क है, ये काफ़ी थोड़ा बड़ा लंबा चौड़ा है, काफ़ी जगह घेरता है, और जैसे कि आप इसको देख रहे हो छोटे से मशीन के ऊपर ही टिका हुआ है, और छोटे से स्पेस में ही ये
आ गया और फिट हो गया अच्छे से। और ये देखिए आप, इसको रखने के लिए मेरा पूरा सिस्टम ही, मेरी पूरी टेबल ही बुक हो गई, पूरी जगह इसने ही रोक ली। अब इसको रखने के लिए मेरे को ये भी हटाना पड़ता है, ये भी हटानी पड़ती थी, तो इस वजह से मैंने इसको, और इस पर अगर मशीन पे रख देते तो ये थोड़ा हिलता था। तो प्रिंटर अच्छा है मेरी नज़र में, लेकिन अगर आप इससे पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो नॉर्मल प्रिंट आउट A4 तक दे सकते हैं। बाकी इसके अंदर क्या है कि मेन जो चीज़ है ना, 12-18 भी निकाल सकते हैं, 13-19 इसमें नहीं निकलती है, 12-18 साइज़ तक आप निकाल सकते हैं और A3 तक निकाल सकते हैं। लेकिन उसके अंदर क्या प्रॉब्लम होती है, उसमें ये कलर छोड़ता है पेपर के ऊपर, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया वीडियो में। इसमें जो इंक डलती है वो 5 इंक है और इसमें जो डलती है वो 6 इंक है। इसके अंदर ब्लैक 2 है, इसके अंदर ब्लैक है कि ब्लैक लाइट सियान, मजेंटा सियान, येल्लो और लाइट मजेंटा। इसके अंदर 6 इंक है और इसमें 5 इंक है। तो क्वालिटी का वैसे भी इंक से ही फ़र्क पड़ गया, इसमें 6 इंक है और इसमें 5 इंक है। बाकी क्या है, जगह ज़्यादा घेरता है और मेरा काम उतना है नहीं जितना मेरे को चाहिए। अभी इससे ही मेरा काम हो जाता है, तो इसको रखने से कोई फ़ायदा है नहीं, ये पड़े पड़े और ख़राब हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं अभी इसको निकाल दूँ, बाकी जब कभी मेरे को इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़ी तो अपन एक और प्रिंटर ले सकते हैं। तो ये सबसे बेस्ट प्रिंटर है इस प्राइस रेंज के अंदर। वहीं अगर अपन बात करें Epson L1300 की, ये भी अच्छा प्रिंटर है, लेकिन अभी ये नया मिलना बंद हो चुका है, सेकेंड हैंड ही आपको परचेज़ करना पड़ेगा। बट इसकी प्रिंट क्वालिटी दिन रात का फ़र्क है इन दोनों की प्रिंट क्वालिटी में। ये और इसके देखिए साइज़ भी कितनी बड़ी है, ये मेरे टेबल पर जो रखा हुआ है इसने पूरा बक्स ही रोक लिया, मतलब इसने पूरा जगह ही रोक ली पूरी की पूरी, ये देखिए आप। और वहीं मैं इसकी बात करूँ, ये काफ़ी छोटा है, कॉम्पैक्ट सा है, इसको कहीं पे भी मैं शिफ्ट कर सकता हूँ, यानी कि मैं अगर इसको नीचे टेबल के नीचे भी डाल लूँ तो ये आ जाएगा वहाँ पे भी। और ये देखो पूरा बक्स ही इसने रोक लिया है। तो ये भी एक इशू है इसके अंदर साइज़ का भी, मैं एक बार आपको इसके ऊपर रख के भी बताता हूँ दोनों प्रिंटर में कितना अंतर है। तो ये देखिए आप, ये अपना 18050 है और ये 1300 है। इसके अंदर पूरे में ही ये आ चुका है और इसके बाद में भी देखो कितनी जगह इसमें बची है, ठीक है, यहाँ से भी अभी जगह बाकी है। तो ये डिफरेंस है इस दोनों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा जगह रोकता है, ये छोटी सी जगह में फिक्स हो जाएगा आपके कहीं। तो मेन जो प्रॉब्लम थी इन दोनों प्रिंटर को लेके वो मैंने क्लियर कर दी है, मेरे को बस इस वजह से बेचना पड़ा है, इसमें PVC कार्ड प्रिंटिंग नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इसके अंदर जो प्रिंटिंग क्वालिटी थी वो थोड़ी डल लगती थी मुझे पर्सनली, जो कि इसमें वो अच्छी निकल रही है, तो इसी वजह से मैं इसको सेल करने का डिसीजन ले रहा हूँ। कल सुबह फिर ये जा रहा है, सेल हो रहा है अपना, इसको बॉक्स में जैसे आया था वैसे ही अपन को इसको पैक करके देना है आगे। अगर L1300 लेने की सोच रहे हैं तो देखो इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा प्रिंटिंग क्वालिटी को लेके। वहीं अगर आप थोड़ा पैसा ज़्यादा इन्वेस्ट करोगे तो आप L18050 ले सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं, ये मेरे पास है इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि काफ़ी अच्छा प्रिंटर है, मैंने खुद ने इसको यूज़ किया है, 2-3 दिन मैंने इसके अंदर प्रिंट आउट निकाले और इतने बेस्ट प्रिंट आउट निकले हैं इसके अंदर कि लैब की क्वालिटी वाले प्रिंट आउट निकले हैं अगर आपके पास पेपर बेस्ट है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अगर आप L1300 ले रहे हैं तो देखिए A3 प्रिंटर के अंदर बेस्ट है, बट क्वालिटी के अंदर आपको मज़ा नहीं आ पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आया तो आपको पता है क्या करना है, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब। मिलते हैं अपने ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।